एवरीवन, वेलकम टू सिमी फाउंडेशन। सिमी फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प स्टूडेंट टू गेट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम निकी गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू टीच इकोनॉमिक्स ओवर हेयर। इफ यू वॉन्ट मोर क्वेश्चन एंड मोर वीडियोज, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज निकी क्लासेज। इन दिस वीडियो आई विल कवर द मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। सो वाई वी मेजर डिस्पर्जन? सो डिस्पर्जन मीन्स वैन देर इज़ वैल्यू विच इज़ डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब जो विच्छेद हो गई हो, मतलब सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया हो, उनको हम डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन की वैल्यू बोलते हैं। तो डिस्पर्जन की वैल्यू हम क्यों लेते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मीन में एवरेज निकाल लिया। एवरेज तो निकाल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री के वर्कर की वेजेस 400 है, तो 400 तो हमने निकाल ली, लेकिन एवरेज करके निकाली है, वो सबकी मिला के एवरेज करके 400 निकाली है। किसी की 350 भी हो सकती है, किसी की 200 भी हो सकती है, किसी की 390 भी हो सकती है, किसी की 410 भी हो सकती है। तो इन सब का एवरेज हम जब निकालेंगे तो 400 आता है, लेकिन सबकी अलग अलग वैल्यू का हमें नहीं पता लगता। दैट इज़ वाई वी विल कैलकुलेट डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट मेथड एंड द अनदर वन इज रिलेटिव मेथड। सो वी विल डिस्कस ऑल द मेथड इन दिस वीडियो। एब्सोल्यूट मेजरमेंट को क्यों लिया जाता है? जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं किसी चीज़ की, व्हेन डिस्पर्जन ऑफ सीरीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल और एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, हमने ली, फॉर एग्जांपल, ए पर्सन स्टेट्स दैट देर इज 100 रुपीज़ विच इज़ द एवरेज वेज ऑफ वर्कर। तो वर्कर की जो एवरेज वेज है वो 100 है। तो एक ग्रुप लिया गया है जिसका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो ग्रुप में लेंगे तो रुपीज़ 100 है, तो सबकी 10-10 वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द रुपीज़ 10 विल बी द डिस्पर्जन हेयर। वेयर एज रिलेटिव मेजर में हम कैसे करते हैं? रिलेटिव मेज़र में किसी की परसेंटेज बता दी, लाइक फॉर एग्जांपल की बिलो पॉवर्टी लाइन से जो पर्सन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो पर्सन है उनका परसेंटेज है 26। तो 26 अगर किसी की बिलो पॉवर्टी लाइन बताई है तो 26% बताई है किसी की बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो किसी की फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ बिलो पॉवर्टी लाइन है, किसी की 90 भी हो सकती है, किसी की 110 भी हो सकती है, जैसे कि मैंने डिस्पर्जन में आपको बताया है। तो ये रिलेटिव मेज़र हो गया, जिसमें ओरिजिनल वैल्यू तो हमें नहीं पता लगती, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में हमें पता लग जाती है। सो दिस विल बी रिलेटिव मेज़र। नाउ हम करेंगे इनके फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट मेजर का, दैट इज रेंज। सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड वन इज मीन डेविएशन। फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन।
एंड द फिफ्थ वन इज लॉरेंस कर्व. वी विल डिस्कस इस आफ्टर. इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, रिलेटिव मेजर में आएंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. रिलेटिव मेज़र को हम कोएफिशिएंट ऑफ मेज़र भी कह सकते हैं क्योंकि ये परसेंटेज के टर्म्स में लिया जाता है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. फॉर्मूला करेंगे हम रेंज का. सो रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू. आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली बिकॉज इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, डेटा गिवन है 4, 7, 46, 53, 77, 8, 1 and 5 and then 13. तो हम इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे क्योंकि इसमें कोई इक्वल सीक्वेंस नहीं दिया हुआ तो हमें इसको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा. तो फर्स्ट विल बी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे. तो फर्स्ट वैल्यू होगी 1, देन 4, 5, 7. यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 7 आना था. 8, 46, 8 के बाद सॉरी 13, 13 के बाद 46, 46 के बाद 53. तो ये हमारा अरेंज हो गया. 53 के बाद 77. तो ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में. अब रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू होगी 77, लोएस्ट वैल्यू विल बी 1. तो 77 माइनस 1 दैट इज 76 विल बी रेंज. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू मीन 77 माइनस 1 देन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू 77 प्लस 1. तो आंसर हो जाएगा हमारा 76/78. तो 76/78 को हम 2 के टेबल में काटेंगे तो 38/39 आ जाएगा. और इसको हम कैलकुलेट करेंगे कम्प्लीटली देन 0.97 विल बी आर आंसर. I hope this is clear to you. Thank you and keep watching my video. In my next video, I will bring out the other question, that is quartile range, mean deviation and more on. So keep continue with me. Thank you.